हीरो जुगाड़ू, हीरोइन भी जुगाड़ू। नहीं मैं फाड़ू हूँ, जुगाड़ू नहीं। इतना स्ट्रेस लिए घूम रहे होंगे, इतनी गर्मी है और उसके ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ से स्ट्रेस आया हुआ होगा आपके आपके ऊपर भी ना। बॉस ने कुछ बोलो लेके आया और कुछ ऐसा कुछ तड़क तड़कता सा जो है वन लाइन लेके आया। हाँ, कहीं से हेडलाइन हेडलाइन लेके आया। सारे जवाब हैं तुम्हारे? हाँ, सारे जवाब। देखिए जुगाड़ तो मैंने अभी भी किया हुआ है। जूता जो है ना, कल मैं जूते को पहने हुए था तो इसका यहाँ से ये निकल गया था। सिद्धार्थ को बोला मैंने यार क्या करें, और जूता वाइट जूता है नहीं, बोले खरीद लो। नहीं खरीदूंगा नहीं, इसी को ठीक करवाओ। अभी तो लिया ही था कुछ दिन पहले। जब भी कोई डांस वांस का जिक्र आता है कि डांस करना होगा, मैंने यार बहुत मुश्किल है मेरे से। देख तो आप भी उन्हीं में से जिनको लोग बार बार खींचते हैं कि नहीं आई आई। हाँ हाँ, मैं हूँ उनमें से। और आप पीछे खड़े होकर एंजॉय कर रहे हो। क्लैप कर सकता हूँ ऐसे। मुझे लगता है कि घर में बैठे बैठे फेम मिल जाती है, ऐसा जुगाड़ लगवा। हीरो जुगाड़ू, हीरोइन भी जुगाड़ू। नहीं मैं फाड़ू हूँ, जुगाड़ू नहीं, वो जुगाड़ू। हीरो जुगाड़ू, हीरोइन फाड़ू। तो इंटरव्यू भी जुगाड़ू और फाड़ू करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो कुछ फाड़ू ओपनिंग सुझाइए इस इंटरव्यू। आप ही ने कहा फाड़ू है, मैं तो जुगाड़ू आदमी से बोल रहा था। बट जुगाड़ कर लो ज्यादा जल्दी, क्योंकि आज तो मतलब इतना काम है हमें, फटाफट सब करना है हमें। तो कुछ जुगाड़ लगा दीजिए। इससे बढ़िया जुगाड़ तो नवाज भाई नहीं हो सकता कि मतलब ओपनिंग भी हो गई, फिल्म भी प्रमोट, सीधे सीधे वन लाइन, कट टू कट है, कट टू कट है। तो क्या जुगाड़ कर रहे हैं आप ऐसे? किसी भी तरह का जुगाड़ करवा लो हमारे से तो देख लो, अगर अगर कोई हो बात तो बताना, हम कर देंगे। बट ये है फिल्म में कि कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, तो थोड़ा ख्याल रखना जब भी कोई लेके आओ जुगाड़ हमारे से करवाने के लिए, तो थोड़ा सा अपने रिस्क पे लाना। जुगाड़ कर पाए ये एक सक्सेसफुल फिल्म बनाने का मतलब, नवाजुद्दीन जहाँ होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं उम्मीदें ज्यादा होती है। मतलब उसमें तो जुगाड़ की जरूरत नहीं है ना, वो तो इनएविटेबल है। कुछ कुछ अलग ही करके फिल्म बनेगी अगर नवाज फिल्म में है तो। आई थिंक इस बार भी कुछ इंटरेस्टिंग है बिकॉज उनके बाकी कैरेक्टर से काफी अलग है। एटलीस्ट आई एम एक्साइटेड टू सी हिम इन दिस न्यू अवतार। नवाज भाई सबसे बड़ी यूएसपी क्या है इस फिल्म की? आपने मतलब तमाम किरदार तो निभा लिए, अब लगता ये है कि अब क्या नया करेंगे? मतलब मुझे लगता है कि आपने हर तरह का ऐसा कैरेक्टर निभाया है जो हमने देखा नहीं था, या आपकी एक्टिंग रेंज काफी बड़ी ऑलरेडी है, तो इसमें क्या कुछ है यूएसपी जो कि हम जाएं देखने? या देखो इतनी इतनी टेंशन है लाइफ में आजकल, यू नो, इतना स्ट्रेस लिए घूम रहे होंगे, इतनी गर्मी है और उसके ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ से स्ट्रेस आया हुआ होगा आपके आपके ऊपर भी ना। बॉस ने कुछ बोलो लेके आया और कुछ ऐसा कुछ तड़क तड़कता सा जो है वन लाइन लेके आया। हाँ, कहीं से हेडलाइन 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 निकाल, कुछ कंट्रोवर्शियल करो, कंट्रोवर्शियल करो, दो चार आर्टिकल छपे हैं, कुछ नवाज और नेहा कुछ कनेक्शन निकाल, हाँ कुछ तो निकालो, है ना। तो ऐसे माहौल में जब आप जोगीरा बैठ के देखेंगे तो वो सारी चीजें भूल जाएंगे आप। हेडलाइन, घर से क्या कौन क्या बोल रहा है, फोन कर रहा है, ये जल्दी से लेके आओ आज ये सामान, तुम घूमने जाना है, ये वो, सबसे निजात मिल जाएगी आपको। मैंने ऐसा कुछ भी पहले नहीं किया, ये मेरे लिए डिफरेंट है, मेरे लिए भी, क्योंकि आई फील ऐसी हार्टलाइन की फिल्म मैंने पहले नहीं किया। कमर्शियल फिल्में की हैं, कॉमेडी पहले की है, बट मुझे लगता है इसका जो मिल्यू है, इसका जो वाइब है, ऐसी फिल्म मैंने पहले नहीं किया। तो आई थिंक मेरे फैंस भी एक्साइटेड है देखने के लिए कि मैंने क्या कुछ किया है इसमें। आपको अगर इनसे कुछ जुगाड़ करवाना होता, रियल लाइफ में ऐसा बंदा मिलता जो जुगाड़ कर सकता था? हमारे बहुत जुगाड़ू दोस्त होते हैं, कहीं ना कहीं होता है जब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ फलाना है जो जुगाड़ कर सकता है, तो क्या यार अभी तो एक ही जुगाड़ करवाना चाहूंगी, बस हाउसफुल करवा कर रहे हैं वो, हम वो बस हाउसफुल करवा दो, फिल्म रिलीज है 26 को फिल्म रिलीज है, उसके अलावा क्या जुगाड़ करवाऊंगी Yeah, that's on top of my mind right now. कुछ और सोच में समझ में नहीं आ रहा। बहुत focused heroine लिया। हाँ, एक ही focus है, film release है। जी जी जी। और देखिए अभी दिन रात इनको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है। Houseful का board। Houseful का board। Okay। उसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं। अभी कुछ। आपको अगर जोगी मिल जाता, आपको कुछ जुगाड़ लगवाना होता उससे, तो क्या जुगाड़ लगवाते आप? मैं क्या जुगाड़ लगवाता? मेरे पास तो बहुत सारी चीजें जुगाड़ लगवानी, बहुत बहुत लगवाता। कोई एक चीज आप चाहते हैं कि मैं, मेरा ये जुगाड़ लग जाता है यार, क्या लगवाता मैं? मतलब घर में बैठे बैठे साहब मैं बहुत ही आलसी हो गया हूँ, मुझे लगता है कि घर में बैठे बैठे फेम मिल जाती है, ऐसा जुगाड़ लगवाता। नहीं, आपको लगता है आलसी है? हाँ, ऐसा क्यों लगता है? हमको तो नहीं लगता। कुछ दिनों से पर्दे पे देख के तो आपको नहीं लगता? कुछ दिनों से हो गया हूँ मैं आलसी। वजह पता नहीं क्या है, मैं भी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है, लेकिन हूँ तो गया हूँ। आपको लगता है आलसी है?
यार जितना मैं देख रही हूँ आई कांट बी द जज ऑफ इट, क्योंकि हम तो काम ही कर रहे हैं साथ, जब भी मिलते हैं काम ही करते हुए मिलते हैं, तो मुझे तो काफी एक्टिव लगते हैं, बट आई डोंट नो, मे बी एट होम ही इज अ मोर चिल्ड आउट होम बॉडी, सो मे बी उनका इशारा जब काम नहीं कर रहे हैं उससे होगा. अच्छा, अब जब कोई किरदार चूज करते हैं तो अब क्या थॉट प्रोसेस रहता है किरदार चूज करने का, उसके लिए प्रिपेयर करने का? किरदार चूज करने थोड़ा सा कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको करके लगे कि चैलेंज है ये, है ना, ऐसा होना चाहिए. स्टोरी पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग. हाँ, ये आपने मुझे पहले भी कहा था कि आप स्टोरी पे ध्यान नहीं देते. हाँ, मुझे कैरेक्टर ना उसमें क्वकीनेस होना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए कैरेक्टर, है ना, तो ऐसा होता है. नहीं होते तो करने की कोशिश करते हैं, यही है. मतलब ऐसा इसलिए कि अगर हम एक भी सीन में नवाज हैं देखें तो हम ताली बजाएं कि नहीं? ताली बजाएं नहीं, लेकिन थोड़ा घर जाके थोड़ा सा, या महान नहीं हंसी आए तो घर जाके हंसी आए देखने के बाद, ऐसा सब कुछ होना चाहिए. स्टोरी क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होती आपके लिए? स्टोरी मैं मेरा बिलीफ, रोना रो रहे हैं सबकी कहानी, नहीं मेरा बिलीफ नहीं है. रोना जो है ना कैरेक्टराइजेशन का, हमारे यहाँ जो है ना कैरेक्टराइजेशन नहीं लिखे जाते. आपने कभी देखा कभी स्क्रिप्ट में उसकी हैबिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका कहाँ पे उसको गुस्सा आता है, कहाँ पे वो इन्जॉय करता है, इस तरह की चीज़ें लिखी नहीं जाती, सपाट होते हैं. अगर लाइक स्टोरी तो सर ये है कि अगर मैं यहाँ से आपके घर पे जा रहा हूँ, वहाँ से भी एक स्टोरी, इतनी देर में भी एक स्टोरी हो सकती है, लेकिन तब हो सकती है जब हम उस इंसान के अंदर जाएँ कि क्या थाट है. तो वो इनर वर्ल्ड जो है ना एक्सप्लोर करने में थोड़ा हमें अभी तक बहुत कम पहुँचे हैं हम लोग उस स्टेज पर. मैं तो खेत में बैठे हुए एक इंसान के ऊपर पिक्चर बना दूँ, है ना, तो स्टोरी है, स्टोरी की जरूरत ही नहीं है. अरे एक बात ये भी कही जाती है, आपसे भी जानना चाहूंगा कि पता नहीं मुझसे किसी बड़े आदमी ने कही थी कि कहानियां वही तीन चार होती हैं, सिर्फ उनको कहने का तरीका, कहने का तरीका है. बिल्कुल आप मानते हैं इस चीज? बिल्कुल मानता हूं, 100% मानता हूं. Yeah, true, agreed. There are some prototypes. अब लव स्टोरी क्या है, वैसी उतनी ही हो सकती है. So yeah, I believe that there are those prototypes. You have to get inspired and make them different. Of course, अलग-अलग जगह की वो flavor अलग-अलग होता है. So वो ही कर सकते हैं हम. अच्छा, इस फिल्म का जो flavor है, comedy ज़्यादा रहेगा या किस तरह का flavor होगा? Comedy भी रहेगा और थोड़ा सा नोकझोंक भी है. नोकझोंक ऐसा रोमांस है जो डे टू डे लाइफ में होता है कि है या नहीं है, ये कन्फ्यूजन भी है, लड़ाई झगड़ा भी आपस में एक दूसरे का, ऐसा भी है, और होते होते जो है ना कुछ और पता हो जाता है. जैसे बहुत पहले मैंने कोई फिल्म देखी थी, द काउ करके एक फिल्म देखी थी, बहुत पहले कोई, मैं दिल्ली में ही था. तो उसमें क्या, एक खेत होता है और खेत में एक लड़की जो गाय चराने वाली होती है, उसकी गाय आती है और पर्टिकुलर एक खेत की घास खाती है वो, और उसका जो ऑनर है वो एक लड़का है वहाँ का, तो गाय को भगा देता है वो. अगले दिन फिर लेके आती है, फिर आ जाती है. तो दोनों का ना, दोनों लड़के लड़कियों का बहुत झगड़ा होता है इस बात पे कि तेरी गाय मेरे खेत में क्यों आ जाती है घास खाने. तीसरे दिन नहीं आती तो लड़के को बड़ा अनईजी सा फील होता है, यार आज क्यों नहीं आई. तो उसके घर पे जाता है वो, है ना, तो वहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, क्यों नहीं आई, तो ये वो इस तरह. तो होते होते ना तो पता चलता है यार ये एक दूसरे को ना बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगे, प्यार करने लगे. तो इस तरह की है हमारे इसमें, छोटे बिट्स में ये चीज़ें हैं हमारे इसमें. सबसे ज्यादा दिक्कत आपको किस तरह के किरदारों में होती है? रोमांटिक, कॉमेडी, नेगेटिव, आपको सबसे मुश्किल क्या लगता है? मुश्किल सारे मुश्किल होते हैं, ऐसे कोई आसानी से तो कोई भी नहीं हो जाता फ्रेंकली स्पीकिंग. फिर भी जैसे सब्जेक्ट, हम कोई बच्चा कहता है मुझे मैथ्स बड़ी मुश्किल लगता है, ऐसा कोई जोनर जो आपको लगता हो ये वाला थोड़ा टफ है? हाँ, मतलब जिसमें सपाट हीरो टाइप्स जो होते हैं ना, जो बॉलीवुड के हीरो होते हैं कि ईजिली सब कुछ हो जा रहा है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे, क्योंकि मैं खुद से रीज़न मांगता हूँ कि वाई आई एम डूइंग दिस, उसमें प्रॉब्लम होती है. और कि एक लड़की है, एक लड़का है, और वो अननेसेसरी लड़की का पता नहीं, लड़की उस पर मर जाती है, क्यों मरती है उसका, उसको भी खुद पता नहीं क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है. तो इस तरह की चीज़ों में जो रीज़न नहीं होते उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है. उसमें बेचारा दर्शक भी सोच रहा होता है कि क्यों मर जाता है, मतलब तभी हम फिल्म नहीं चलती. हाँ, नहीं चलती, नहीं चलती, कैसे हो गया? नहीं ऐसी चली अब तक तो, नहीं अब तो नहीं चल रही है. तो फिर भी कहीं ना कहीं ऑडियंस हो गया है थोड़ा समझदार हो गया है कि नहीं देखता ऐसे, नहीं देखता. आप बेवकूफ नहीं बना सकते उतना आसानी से, तो नहीं बना सकते. हाँ, वही वो तो है, अब तो थोड़ा सा चल रहा है. क्या आपको सबसे मुश्किल लगता है? अच्छा, नहीं बेवकूफ तो नहीं. मुझे सबसे मुश्किल जॉनर कौन सा लगता है? कॉमेडी, रोमांस? यार मैंने लेजिट कोई ड्रामा नहीं किया है, सो आई कांट कमेंट, बट मुझे लगता है हॉरर भी मैंने नहीं किया है. क्राइम ड्रामा,
क्राइम ड्रामा करवाना चाहते हैं इनसे। हाँ, मैंने किया नहीं है तो आई विल बी क्वाइट एक्साइटेड। क्राइम ड्रामा? या नवाज के साथ ही करना चाहेंगे? बिल्कुल, कत्ल करना चाहेंगे? नेकी और पूछ पूछ नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इनका कत्ल करना चाहेंगे। इनका कत्ल क्यों करूंगी मैं? अब देखो, he's an inspiration। अब ये जो किरदार की बात कर रहा हूं, मैं भी रमन राघव की बात कर रही थी कि अब जैसा कि उन्होंने प्ले किया है यार, वैसा अब कुछ वैसा मिलेगा तो डेफिनेटली। अच्छा, जुगाड़ पे वापस आते हैं, क्योंकि जुगाड़, हम हिंदुस्तानी, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जुगाड़ू अगर कोई होता होगा तो हिंदुस्तानी होते हैं सबसे ज्यादा जुगाड़ी। अच्छा, आपने लाइफ में सबसे ज्यादा से सबसे अगर कहूं तो जुगाड़ू काम कौन सा किया, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। मतलब सिक्योरिटी गार्ड भी थे, आपकी कमर में भी दर्द होता था, आप ही ने बताया था। नहीं नहीं, मैं बहुत वीक था, मतलब बहुत वीक थे। हां, यू वर अ सिक्योरिटी गार्ड? हां, यस, एक दो क्या होगा, एक आध साल किया था। ओह नाइस। इन्होंने बहुत छोटे छोटे काम किए, मतलब जो मतलब स्ट्रगल इनका बहुत ऐसा रहा है। हाँ, मैं सुन रही हूँ, मैं जब ये बात करते तो मैं सुनती हूँ। देखिए, जुगाड़ तो मैंने अभी भी किया हुआ है। ये क्या, जूता जो है ना, कल मैं जूते को पहने हुए था तो इसका यहाँ से ये निकल गया था। सोल। तो मैंने सिद्धार्थ को बोला, मैंने यार क्या करें, और जूता वाइट जूता है नहीं, बोले खरीद लो। नहीं, खरीदूंगा नहीं, इसी को ठीक करवाओ, अभी तो लिया था कुछ दिन पहले, तो इस पे ये ना देखो टाके दिख नहीं रहे होंगे, फिर लगवाए इसको यहीं पे दिल्ली में आके लगवाया मैंने मॉर्निंग में, तो ये हो गया जुगाड़, ऐसे में खींच लो इसको, कुछ नहीं होगा। वैसे अगर और कोई होता तो शायद जूते आते मुंबई से, या हो सकता है यहाँ के कोई अच्छे ब्रांड के जूते आते, लेकिन आपकी सिंपलिसिटी जो है, मुझे लगता है वही कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। अच्छा, मैं एक बार इनके घर गया, इनका इंटरव्यू किया मैंने, तो ये आ गए बैठे इंटरव्यू के लिए, तो इसने बोला सर फुल फ्रेम दिख रहा है, आप जूते पहन लीजिए। बोला अच्छा जूते पहन ले, अच्छा ले आओ। तो जूते, मतलब कोई ऐसा लगा नहीं हमें कि हम इतने बड़े एक्टर के घर बैठ के उनका इंटरव्यू करें, इन्होंने बहुत सिंपलिसिटी से बात की। सो मुझे लगता है यही आपकी खूबसूरती है और कायम रहनी चाहिए हमेशा। चाबी नहीं मिल रही थी और वार्डरोब खोलना था, तो मैंने सेफ्टी पिन से खोला था। इतना ही, इससे ज्यादा जुगाड़ नहीं कर पाई हूँ। जी जी, छोटे मोटे जुगाड़, मतलब उससे हार्ड कोर नहीं। लगाते रहते थे कि कुछ जुगाड़ चल जाए। किसी फैन ने आप तक पहुंचने का जुगाड़ किया है कभी, कि मतलब कुछ अतरंगी ऐसा कर दिया होगी, भाई आना है उसको आपके पास, अपना मैसेज पहुंचाना है, आपके साथ सेल्फी लेनी है, या मान लो नंबर ही चाहिए उसको। आपका लक है ना, हो सकता उनका हो जाए। कितने बेरहम इंसान है यार, हो जाता तो हो सकता है भटक जाते, फिर हमें इतना अच्छा एक्टर नहीं मिलता। सारे जवाब हैं तुम्हारे। हाँ, सारे जवाब। तो कुछ कुछ टिप्स दीजिए, कुछ जुगाड़ू, मतलब जिससे कि आजकल के जो लौंडे हैं उनका कुछ भला हो जाए। भाई जिस भी जगह काम करती हैं वो, वहाँ से बन के, मतलब वहाँ पे डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में कहीं भी काम करती है, वहाँ से ले लो, या तो कोशिश करो वहाँ से लो, या ऐसा कुछ काम बताओ कि उसको लगे कि इसके बिना कुछ ज़िंदगी नहीं है, ऐसा कुछ काम बताओ ताकि के काम मैं करवा दूंगा ऐसा, इस तरीके से। डायरेक्ट जाके मांग लो यार, उसमें पिटने के चांसेस रहेंगे। क्यों, आपको गलत करने वाले हो क्या? नहीं नहीं, मैं अगर कोई सीधा इंटेंशन, ऑनेस्ट इंटेंशन लेके जाओ ना। True. कि भाई मुझे आपका नंबर चाहिए, है ना, जैसे फॉरेन में होता है, भाई मुझे आप अच्छी लग रही है, मेरे साथ चलेंगे आप? अब उसको अगर लगेगा तो जाएगी, नहीं तो ओके बाय बाय टेक केयर। सर फॉरेन जैसा यहाँ हो गया तो लौंडे काम छोड़ के यही करने लग जाएंगे, लाइन लग जाएगी कॉलेजेस के आगे, सब जगह चांस मारना शुरू कर देंगे कि तुम मुझे अच्छी लग रही हो, हमारे यहाँ के आपको पता ही है कैसे पाती है। ओ यार, आपने लगाया कभी किसी लड़के का नंबर ढूंढने के लिए जुगाड़? कोई ऐसा जुगाड़? हाँ, मतलब नहीं, मैं सीधा बोल देती हूँ ना कि भाई लेट्स गो फॉर अ कॉफी। भाई गो फॉर अ कॉफी, आई मीन लेट्स गो फॉर अ कॉफी। भाई नहीं, भाई के साथ भी कॉफी पे जाते हैं। लड़कियों के साथ तो बड़ा इजी होता है ना कि, लेकिन अप्रोच, मतलब लड़कों को ज्यादा डर लगता है। ऐसा है नहीं, आई थिंक लड़के लड़कियां खुद अप्रोच कर सकते हैं और करते हैं, इनफैक्ट वो टाइम्स चेंज हो रहे हैं वैसे। अच्छा नमस्ते, ये बताइए कि इस
फिल्म की सबसे, अगर आपसे ये पूछूं कि कोई ऐसी चीज जो आपको इस फिल्म में बड़ी टफ लगी कि यार ये मुझसे, डांस ऐसा क्यों? मतलब आपको जनरल डांस टफ लगता है, इसके स्टेप्स जो है टफ लगे? मैं तो जनरल नॉर्मली भी कभी डांस नहीं करता हूँ, मैं ब्याह शादियों में भी नहीं किया मैंने डांस, तो जब भी कोई डांस वांस का जिक्र आता है कि डांस करना पड़ा, मैंने यार बहुत मुश्किल है मेरे से, देख लो। तो आप भी उन्हीं में से जिनको लोग बार बार खींचते हैं कि नहीं आई आई, हाँ हाँ मैं हूँ उनमें से, और आप पीछे खड़े होकर एंजॉय क्लैप कर सकता हूँ ऐसे से खड़े होकर, अगर आप इनके जैसे ही हूँ तो आगे से ये वाली क्लिप मैं वायरल कर दूंगा और अपने उस पर लगा दूंगा कि भाई मुझे भी फोर्स ना किया कीजिए। आपको कुछ टफ लगा इसमें, इस कैरेक्टर में? यार मैंने बहुत एंजॉय किया है कैरेक्टर, बिकॉज आई फील लाइक इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इट्स अ हार्टलैंड की स्टोरी है, लड़की यूपी से है, शी इज अ फ्री स्पिरिट, तो बहुत ही स्पॉन्टेनियस था, एंड आई थिंक बिकॉज मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है एक्टिंग में, तो आई फील लाइक वो स्पॉन्टेनिटी ईजी होती है मेरे लिए, तो प्रेपरेशन वाली ये फिल्म नहीं थी, सो आई एंजॉयड माय सेल्फ। एक्सप्रेशन दिया है वो बड़ा कमाल का, कौन सा वाला? अच्छा, दुपट्टा ले रखा है और वो लगता है कि मतलब जो है। थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं कोई जुगाड़ नहीं लगाना पड़ेगा दर्शकों को इस फिल्म को देखने के लिए। नहीं, दर्शकों को कोई जुगाड़ नहीं लगना पड़ेगा, बिल्कुल कोई जुगाड़ नहीं लगना पड़ेगा, मतलब सबसे जुगाड़ू फिल्म के लिए कोई जुगाड़ नहीं लगाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू फॉर हैविंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि जितना मजेदार ट्रेलर लग रहा है उससे ज्यादा मजेदार जो है ये फिल्म होगी, और खूब सारे जुगाड़ हम हिंदुस्तानी इस फिल्म से सीख के जाएंगे। अच्छे बात। थैंक यू नवाज भाई। थैंक यू।